गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मार्सीलिया के पर्णवृंत एवं पर्णक की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिटियोल एंड लीफलेट। सबसे पहले हम देखते हैं पर्णवृंत पिटियोल की आंतरिक संरचना। प्रकंद की भांति मार्सीलिया का पर्णवृंत भी तीन भागों में विभेदित होता है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की ओर स्टीलिया रम। डायग्राम में देखिए, सबसे बाहर एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा स्थित है। बाह्य त्वचा एक स्तरीय परत है जो आयताकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है। यहाँ कॉर्टेक्स दो भागों से मिलकर बना होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। यदि हम बात करें आउटर कॉर्टेक्स की, तो आउटर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। इस भाग में बड़े बड़े एयर चेम्बर्स पाए जाते हैं और ये एयर चेम्बर्स पेरेनकाइमेटल सेल से बने हुए सेप्टा द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। एयर चेम्बर्स की प्रेजेंस के कारण ही आउटर कॉर्टेक्स को एरेनकाइमा कहा जाता है। कॉर्टेक्स का अंदर वाला भाग इनर कॉर्टेक्स कहलाता है। ये देखिए इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। इनर कॉर्टेक्स का बाहर वाला भाग दृढ़ोत्की कोशिकाओं से बना होता है और अंदर वाला भाग मृदुत्की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ पाया जाता है रम्ब या स्टेल। देखो, रम्ब के बाहर मृदुत्की कोशिकाओं की एक परत है जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। रम्ब के बाहर की तरफ मृदुत्की कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टिकाएँ उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस के भीतर की ओर एक स्तरीय पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक स्तरीय मृदुत्की कोशिकाओं का बना हुआ परिरंभ उपस्थित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज की। तो पर्णवृंत में जाइलम वी के आकार की दो पट्टियों में व्यवस्थित होता है। यहाँ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जो पट्टियाँ दिख रही है वो जाइलम है। इसमें भी देखिए, ये जाइलम जो है वी आकार की दो पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होता है। इन पट्टियों का केंद्रीय भाग परस्पर निकट होता है। दोनों पट्टियों का केंद्रीय भाग देखो एक दूसरे के नज़दीक है और भुजाएं हैं वो दूर दूर स्थित होती है। या यूँ कहें कि केंद्रीय भाग परस्पर निकट व भुजाएँ विपरीत दिशाओं में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक पट्टी का केंद्रीय भाग, ये वाला भाग है वो मेटाजाइलम है और परितीय भाग प्रोटोजाइलम होता है। यानी प्रत्येक पट्टी के केंद्रीय भाग में मेटाजाइलम स्थित होता है और परितीय भाग में प्रोटोजाइलम स्थित होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट है, दोनों साइड में ये फ्लोएम है। तो इस प्रकार इसमें एक विशेष प्रकार का वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसमें जाइलम जो है वो वी आकार की दो पट्टियों में व्यवस्थित रहता है। इन दोनों पट्टियों के केंद्रीय भाग परस्पर निकट होते हैं और भुजाएं विपरीत दिशाओं में होती है। प्रत्येक पट्टी का केंद्र जो है वो मेटाजाइलम से बना होता है और परिधि जो है वो प्रोटोजाइलम से बनी हुई होती है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो इस प्रकार पर्णवृंत है वो आंतरिक संरचना में तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद में हम देखेंगे मार्सीलिया के पर्णक की अनुप्रस्थ काट या मार्सीलिया की पर्णक की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट। इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफलेट जो है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल और वेस्कुलर टिश्यूज। इस प्रकार तीन भाग है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर टिश्यूज। डायग्राम में आप देखिए,
ये मार्सिलिया के पर्ण का अनुप्रस्थ काट है। यहाँ देखिए एपिडर्मिस जो है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस के रूप में पाई जाती है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस और नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ देखो एक लेयर पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्यूटिकल। तो पर्णक के अनुप्रस्थ काट में ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा दिखाई देती है और जो बाह्य त्वचा है उसके बाहर की तरफ क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। दोनों बाह्य त्वचाओं के यहाँ अपन यदि बात करें तो दोनों जो एपिडर्मिस है अपर हो या लोअर हो दोनों एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल पाया जाता है और एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है मीजोफिल। एपिडर्मिस के जो बीच वाला पार्ट है वो कहलाता है मीजोफिल। मार्सिलिया की पल्लवमान जातियाँ मतलब वो जातियाँ जो जल की सतह के ऊपर तैरती है उनमें रंध्र केवल अपर एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं जबकि मार्सिलिया की जो स्थलीय जातियाँ हैं उनमें लीफलेट की दोनों एपिडर्मिस में रंध्र पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यदि अपन पर्णक की आंतरिक संरचना देखें तो उसमें सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। यहाँ एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के रूप में प्रेजेंट होती है। ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस और नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटीन की एक पतली परत पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। एपिडर्मिस के बीच में मीजोफिल पाया जाता है। अब यदि हम बात करें स्टोमेटा या रंध्र की तो यहाँ डायग्राम में आपको लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिख रहे हैं। मार्सिलिया की जो पल्लवमान जाती हैं फ्लोटिंग स्पीसीज होती है उनके पर्णक में रंध्र केवल अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। जो पल्लवमान जातियाँ हैं उनमें रंध्र केवल अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं लेकिन जो स्थलीय जातियाँ हैं उनमें रंध्र अप लोअर और अपर दोनों एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पर्ण मध्योतकीय मीजोफिल की। तो मीजोफिल जो है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोनों एपिडर्मिस के बीच में स्थित होता है। यह मीजोफिल दो भागों में विभाजित होता है पेलिसेट और स्पंजी पेरेन्काइमा। मीजोफिल का जो ये वाला पार्ट है जो लंबी खंबाकार सेल से बना हुआ है वो पेलिसेट कहलाता है या खम्बुतक कहलाता है और जो गोलाकार या अंडाकार सेल से बना हुआ भाग है वो स्पंजी पेरेन्काइमा कहलाता है। देखिए पेलिसेड उत्तक जो है वो ऊपरी बाह्य त्वचा के अंदर की ओर स्थित होता है। जो पेलिसेड टिश्यू ये ऊपर की ओर ऊपरी बाह्य त्वचा है इसके अंदर की तरफ पेलिसेड टिश्यू पाया जाता है और जो स्पंजी टिश्यू है वो निचली बाह्य त्वचा के अंदर की ओर स्थित होता है। मार्सिलिया की जो निमग्न जातियाँ हैं मतलब जो जातियाँ पानी के अंदर डूबी रहती है उनका मीजोफिल पेलिसेट टिश्यू और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करूं कि जनरली क्या होता है मार्सिलिया के लीफलेट का जो मीजोफिल होता है वो दो भागों में विभेदित होता है पेलिसेट टिश्यू और स्पंजी पेरेन्काइमा। पेलिसेट टिश्यू है वो अपर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाया जाता है और स्पंजी पेरेन्काइमा है वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ पाया जाता है। लेकिन मार्सिलिया की जो निमग्न जातियाँ हैं जो जल में डूबी रहती है उनका मीजोफिल पेलिसेट टिश्यू और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की। तो इसका जो मीजोफिल वाला भाग है उसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। यहाँ देखिए मीजोफिल वाले पार्ट में यहाँ पे एक वेस्कुलर टिश्यू स्थित है सेवन पोल या वेस्कुलर बंडल जिसको कह सकते हैं सेवन पोल स्थित है। तो यहाँ सेवन पोल कॉन्सेंट्रिक टाइप का है। कॉन्सेंट्रिक टाइप के वेस्कुलर बंडल का अर्थ है इसके केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और उसके चारों ओर फ्लोएम स्थित होता है। वेस्कुलर बंडल जो है उसका केंद्रीय भाग जाइलम से बना होता है और
जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो मार्सीलिया की लीफलेट में कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिसकी कॉन्सेंट्रिक टाइप का अर्थ हो गया इसके केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक स्पष्ट एंडोडर्मिस पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ एक स्तरीय एक लेयर है, जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। तो इस प्रकार मार्सीलिया का लीफलेट इंटरनल स्ट्रक्चर में तीन भागों से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस जो अपर और लोअर एपिडर्मिस में विभाजित होती है, दोनों एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है मेजोफिल, और मेजोफिल के अंदर की तरफ पाया जाता है इसका वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो कॉन्सेंट्रिक टाइप के होते हैं। थैंक यू।